हनुमानगढ़ में किसानों की समस्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। हाल ही में हुई मूसलाधार बारिश में फसलों को भारी नुकसान हुआ है और अब किसानों को फसल बेचने में भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और न ही फसल की तुलाई हो रही है और न ही सरकारी संस्था फसलों को खरीद रही है। सोमवार को किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर अधिकारियों से समस्या समाधान की मांग की है और इसके बाद अधिकारियों ने सरकारी संस्था को फसल की खरीद करने और खराब फसल का आंकलन कर मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। जो बरसात से गेहूं खराब हुई है, जब गिल्ली हो गई, उसका रंग चेंज हो गया, उसके बारे में आज कलेक्टर साहब से व्यापारी किसान लोगों ने पहले कृषि उपज मंडी में धरना दिया, उसके बाद कलेक्टर साहब से मिले। कलेक्टर साहब ने कहा है कि हमने जो चिट्ठी शनिवार को हमने लिख दी थी राज्य सरकार को, और राज्य सरकार से आज ही बात हुई है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को लिख रहे हैं, तो संभावना है जल्दी से जल्दी इसका निर्णय हो जाएगा आज या कल।